हेलो दोस्तों, हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं TVS की बाइक के बारे में। काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ अगर आप एक TVS की 310RR लेने जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के, काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों को क्वेश्चन थे कि भाई कब लॉन्च हो रही है, कब लॉन्च हो रही है, बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो फाइनली एग्जैक्ट डेट निकल के आ गई है कि किस डेट को लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप लोगों का भी बर्थडे आ रहा हो या फिर आप किसी को भाई को गिफ्ट करना चाहते हो, चाहे जो भी, तो फाइनली डेट बताने वाला हूँ आज आपको। और चेंजेस किस बारे में भी बात करेंगे। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया गाइस, कर लो। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो DM कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप लोग किसी भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, अगर फॉलो करना चाहते हो, सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बात करते हैं सबसे पहले चीज़, इंजन वही सेम 312cc का इंजन मिलेगा, जो कि लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर FI इंजन है ऑलरेडी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों को पावर बहुत ज़्यादा कम लगती है, मतलब 34 BHP के आसपास की पावर है। तो यहाँ आपको पावर थोड़ा ड्रॉप मिलेगा और 27.3 Nm का टॉर्क में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि यार पावर बढ़ के मिले। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पावर बढ़ के मिलने वाली है। इवन आपको शायद 0 से 9 BHP के आसपास में थोड़ा कम ही मिलने वाला है। फर्स्ट चेंज हो गया। सेकंड चेंज की बात करते हैं। आपको बाइक में बिल्कुल न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। डुअल टोन कलर्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बाइक को अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी जो वायरल हुई थी, उसमें बाइक तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। थर्ड चेंज की बात की जाए तो इसका जो है रीडिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल। बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी 300cc में, लुक काफ़ी अच्छा था, बट इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो बड़ा बेसिक सा लगता था मुझको। आप लोगों को लगता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत बेसिक सा लगता था। बट अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फोर्थ चेंज की बात की जाए तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेगा। आप लोगों को वैसा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर नहीं मिलेगा लाइक जैसे आपको एंटॉर्क में मिल जाता है या फिर अपाचे जो 200 है उसमें मिल जाता है, वैसा नहीं, थोड़ा और एडवांस मिलने वाला है, मतलब और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। फिफ्थ चेंज की बात की जाए तो आपको मैनी एडिशनल फीचर्स भी एड ऑन होकर मिलने वाले हैं, उस चीज़ का भी कंपनी ने खुलासा नहीं किया है। यहाँ पे बात करें अगर प्राइस की, तो प्राइस आप लोगों को 35 से 40 हज़ार रुपये कहीं नहीं गएगा, इतना तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, चाहे आप मानो चाहे मत मानो। और बहुत ज़्यादा लोग ये कहेंगे कि यार इससे बढ़िया तो मैं KTM ले लूँ, चाहे और भी कोई बाइक ले लूँ, तो उस बाइक पे भी इतना ही प्राइस बढ़ेगा जब वो BS6 की हो जाएगी। अभी आपको BS4 और BS6 का कंपेरिजन करोगे तो आपको ये महंगी लग सकती है, बट जब BS6 से BS6 का कॉम्पिटिशन करोगे तो एकदम बराबर लगेगी आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं फाइनली लॉन्च डेट की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड होंगे। ये बाइक आप लोगों को 25 जनवरी 2020 में अवेलेबल हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब अगर आप लोग भी अपने बर्थडे के लिए वेट कर रहे थे कि मतलब बर्थडे आने वाला है, लेना चाहते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, चाहे आप किसी को गिफ्ट करना चाहें, जो भी आप लोगों का। अब एक आपका आखिरी सवाल कि भाई BS4 ले लेना बेटर है या BS6। गाइस मेरे हिसाब से आप लोगों को अगर आपका बजट कम है तो आप BS4 ले लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका BS6 का बजट है तो यार आप इजीली BS6 ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आप लोगों को मिल जाएंगे और शायद 40 हज़ार रुपये, आप देखते हैं फीचर्स कंपनी कैसा बताती है, अगर उसके हिसाब से वर्थ हुआ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो, आप लोग इंस्टा DM कहीं पर भी DM कर देना, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय।